हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉनकैट और जॉइन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ज़रा कॉनकैट मेथड क्या करता है। कॉनकैट मेथड इज़ यूज टू जॉइन टू और मोर एरेज। ठीक है, आपके पास अगर एक से ज़्यादा एरेज है तो वो उसको जॉइन करने का काम करता है, मतलब ही मर्ज करने का काम करता है। सिंपल। इसके बाद दिस मेथड डज नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग एरेज बट रिटर्न्स अ न्यू एरे कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ द जॉइन एरेज। इसका मतलब है जब आप इसको कॉनकैट करते हो तो ये जो ओरिजिनल उसके एरेज है ए बी सी में, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और जब नए वेरिएबल में आप उसको कॉनकैट करते हो तो उस नए वेरिएबल में वो क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स ए न्यू एरे जो मर्ज किया हुआ आता है। सिंपल। इसके बाद जॉइन मेथड है। जॉइन मेथड रिटर्न्स द एरे एज अ स्ट्रिंग। तो चलिए ये एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपके पास तीन एरेज अवेलेबल है। ओके, तो मैं बारी बारी इसको एक काम करेंगे, कंसोल लॉग में चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंसोल में चेक करूँगा तीनों एरेज को पहले। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर कंसोल में दिखाई देगा। देखिए ये पहला वाला एरे है सॉरी, जिसमें महेश गजानन है, दूसरा है अशोक राजू, और तीसरा है ये नंबर्स। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब मैंने क्या कहा, कॉनकैट मेथड इज़ यूज टू जॉइन टू और मोर एरेज। देखिए टू और मोर एरेज हमें अगर जॉइन करने हैं तो हम क्या करेंगे, कॉनकैट मेथड यूज़ करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, d इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूँ कि a डॉट कॉनकैट। अब क्या करिए, b और c जो है वो कॉनकैट करते जा, मतलब जॉइन कर दीजिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा b कॉमा c, मुझे दोनों अरेज करने हैं ना, इसीलिए मैं दोनों के वेरिएबल्स के नाम लिख रहा हूँ। सिंपल। अब मैं यहाँ पर लॉक करूँगा d। अब d में मुझे क्या मिलेगा, ये तीनों वेरिएबल्स a बी और सी मर्ज करने के बाद पूरा एक एरे मिल जाएगा मेरे डी में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए ये महेश, अशोक और नंबर्स, ये सभी कुछ आपको एक एरे में मिल जाएगा। देखिए महेश गजानन, सुशांत, पूजा, अशोक राजू, स्मरणिका, सुष्मिता और ये सारे नंबर्स सबको एक ही एरे में मिल जाते हैं। करेक्ट, ये अलग अलग है। और नीचे जो हम लोग ने अभी देखा डी वाला, उसमें सारे एरेज जो है वो क्या हो रहे हैं, जॉइन होके आ रहे हैं। इतना समझ में आ गया कॉनकैट क्या करता है। अब इसमें इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ एरे मर्ज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहो तो इस ए वेरिएबल में यहाँ पर आगे दो वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हो, सिंगल वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरे ही ऐड किया जाता है। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पर दो एरे हम लोग मर्ज कर रहे हैं, आप सिंगल एरे भी मर्ज कर सकते हो, मतलब ए और बी ही मुझे सिर्फ मर्ज करना है तो मैं क्या करूँ, तो मैं सिंपल आपको बी लिखना है, बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे बी और ए ही मर्ज करना है। इसीलिए अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको ये नंबर वाला एरे आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ए और बी की वैल्यूज़ ही मर्ज होके दिखाई देंगे, जॉइन होके दिखाई देंगे। सिंपल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वैल्यूज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ए का जो एरे है इसमें दो वैल्यूज़ ऐड हो जाए, तो इसमें मैं चाहता हूँ अनिकेत और चलिए रुनीता। ओके, यहाँ पर आर यू एन आई टी ए, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ मर्ज हो जाए यानी जॉइन हो जाए, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, मेरे डी में ये चारों वैल्यूज़ के बजाय, मतलब चारों वैल्यूज़ तो आनी ही है और ऊपर से ये दो वैल्यूज़ भी आ जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ एक बार, नीचे आपको दिखाई देगा इसमें। देखिए देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ गई, अनिकेत और रोनिता ऐड हो गए। तो आप इतना ही नहीं, मतलब एरेज तो कर ही सकते हो मर्ज, आपको सिंगल वैल्यू अगर करनी है तो भी कॉनकैट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉनकैट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग जॉइन क्या है वो देखेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा मैं बंद कर देता हूँ, सेव करता हूँ और मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो फिर से आपको ये तीन एरेज दिखाई देंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जॉइन मेथड क्या है वो आपको दिखाऊँ। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से डी एक वेरिएबल लूँगा, मैं बोलूँगा जॉइन करो, मतलब ही जो कॉनकैट ने किया वही चीज़ है,
कॉनकेट क्या करता है, देखिए जॉइन मेथड्स के यहाँ पर लिखा है, देखिए जॉइन मेथड रिटर्न्स द एरे एज अ स्ट्रिंग, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ये भी वही चीज़ करता है, जॉइन करने का ही काम करता है। तो देखिए मुझे अगर ये जॉइन करने हैं तो इसमें भी आप कर सकते हो ए डॉट जॉइन, ठीक है मैंने जॉइन कर लिया। अब बी और सी दोनों करना है मुझे, बी तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बी लिखूँगा और आगे सी लिखूँगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर लॉक करता हूँ तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक ही हो जाएंगी, लेकिन ये क्या बोल रहा है देखिए, द जॉइन मेथड रिटर्न्स द एरे, एरे रिटर्न करता है लेकिन एज ए स्ट्रिंग, तो वो क्या करेगा ये तीनों मर्ज तो करेगा लेकिन आपको स्ट्रिंग में दिखाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको दिखाएगा लेकिन वो स्ट्रिंग वैल्यू दिखाएगा, एक ही स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे कॉनकैट मेथड में और जॉइन मेथड में, ओके। अब इतना ही नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, चलो एक काम क्या करते हैं, हम पहले जो कॉनकेट किया हुआ था वो वापस लेके आते हैं हमारा कोड, ठीक है ये हमारा कॉनकेट का कोड है और मैं डी में उसको कॉनकेट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सिंपल मर्ज किया हुआ दिखाई देगा। क्या मर्ज है, मैंने वैल्यूज़ मर्ज की है, तो मैं यहाँ पर बी और सी फिर से मर्ज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा फिर से वही चीज़ जो तीनों एरेज मर्ज हो रहे थे वही मर्ज होके यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मर्ज जो मुझे मिला है मेरे डी में, इस डी को इसमें देखिए ये कॉमा 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 जो दिख रहे हैं वो भी मैं निकाल सकता हूँ मेरे जॉइन मेथड के थ्रू। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको एक सिंगल एरे मर्ज होने के बाद जो मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, डी वाले वेरिएबल में। तो मैं क्या लिखूँगा नीचे, आप क्या करिए, मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ, ई इज़ इक्वल टू डी डॉट जॉइन, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया मैं अभी बताता हूँ, मैंने क्या कहा आपको, देखिए मैं इसको ई को कंसोल करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, ये जो कॉमाज है ये मुझे नहीं चाहिए, और जॉइन मेथड क्या करता है एरे रिटर्न करता है बट स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, ये जो डी में हमें जो एरे मिला है ये वाला ऊपर वाला ये जो दिख रहा है अभी आपको, ये एरे ही रिटर्न करेगा लेकिन उसको स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, ये अब काम करेगा ये वाला। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको देखिए यहाँ पर सेम एरे रिटर्न करके देगा लेकिन स्ट्रिंग में दे देगा, ओके। और अगर आप चाहते हो, अभी मैं जो बोल रहा था कॉमा अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको सिंपल यहाँ पर दो कोट्स डाल दूँगा और मैं इसको एक स्पेस दे दूँगा ताकि स्पेस भी दिखाई दे, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कॉमा भी निकल जाएगा, स्पेस दिखाई देगी कॉमा के बदले। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर एक हाइफन दिखाई दे तो वो भी हाइफन हम लोग जॉइन के ज़रिए दिखा सकते हैं, ओके। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई लेटर्स दिखाई दे, एंड मैं एंड डालना चाहता हूँ तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ, देखिए महेश एंड गजानन एंड सुशांत एंड पूजा, तो जॉइन में ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइन मेथड रिटर्न्स द एरे एज अ स्ट्रिंग और कॉनकेट मेथड इज़ यूज टू जॉइन टू और मोर एरेज, तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आने चाहिए, ओके गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।